हमारी तो तिजारत भी जन्नत का रास्ता है। दूसरी चीज है करेंसी की खरीद फरोख्त और नसीहत की शर्त। आजकल करेंसी की भी खरीद फरोख्त हो रही है बहुत ज्यादा आपके सामने। पहली बात तो ये है कि एक मुल्क की जो करेंसी होती है वो एक ही जिन्स समझे जाती है, ठीक है। जब एक जिन्स है वो, तो उसमें आप कमी बेशी नहीं कर सकते। मसलन पाकिस्तान की जो करेंसी है वो, अगर से उसको आप पैसा कहें, वो रुपए कहें, वो सिक्का हो, वो नोट हो, वो एक जिन्स है। वो नया नोट है, वो पुराना नोट है, वो एक जिन्स है। लिहाजा इसमें कमी बेशी नहीं हो सकती। आप पाकिस्तान के 50 रुपए 60 रुपए भी नहीं बेच सकते, नकद भी नहीं कर सकते, उधार भी नहीं कर सकते। अब ऐसा होता है कि खासकर जो कंडक्टर हजरात होते हैं ये क्या करते हैं, इनको ठिप्पों की जरूरत होती है सिक्कों की। तो शाम के वक्त या किसी वक्त दिन में बाहर बच्चे आते हैं, उनसे ठिप्पे खरीदते हैं, ठीक है। करते क्या है जी, वो 100 रुपए दे देते हैं, उधर से सिक्के जो है 90 या 95 सिक्के मिलते हैं और इधर से 100 रुपए दिया जा रहा है। जाहिर है मैंने आपसे अभी अर्ज कर दी, एक जिन्स है, एक पैसे की भी कमी बेशी नहीं हो सकती, नाजायज। इसकी जायज सूरत ये हो सकती है कि बच्चे से ये जो सिक्के लेते हैं 90 या 95 सिक्के ले लें और बच्चे को कह दे कि आप हमें एक दो टॉफियां भी दे दें। एक दो टॉफियां ले ले बच्चे से, तो 5 रुपए या 10 रुपए जो बच्चा काट रहा है तो टॉफी के बदले में हो जाएगी। एक टॉफी आप 10 रुपए की भी बेच सकते हैं, 5 की भी बेच सकते हैं, 15 की भी बेच सकते हैं। तो इस तरह जो है वो एक जायज सूरत निकल आएगी। और दूसरी सूरत ये निकल सकती है कि बच्चे से कहा जाए कि आप जो है हमारे लिए सिक्के इकट्ठे करें, ये काम किया करें हमारे लिए, हम आपको अलग से उजरत देंगे क्योंकि आप हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं रोजाना यौमी, आपको हम 20 रुपए देंगे, 30 रुपए देंगे, वो आपकी उजरत होगी। लेकिन जो है ये जो आप से हम 90 रुपए या 95 रुपए ले रहे, इसका एवज नहीं होगा। तो ये एक जायज सूरत दूसरी निकल सकती है। ये तो बात मैं आज कर रहा था एक मुल्क की करेंसी के हवाले से। अगर दो मुल्क उनकी करेंसी हो, मसलन पाकिस्तानी रुपए है, सऊदीया का रियाल है, इमारात का दिरहम है, डॉलर है वगैरह दाले का, तो दो मुल्कों की करेंसियाँ जो है वो दो जिन्स होती है, शुमार होती है, उसमें कमी बेशी हो सकती है, ठीक है। लेकिन हर मुल्क की जो करेंसी होती है ना, उसका एक एक्सचेंज रेट होता है सरकार की तरफ से, एक सरकारी रेट होता है। मसलन डॉलर है, आजकल हो सकता है कि उसका सरकारी रेट जो है 135 रुपए के लगभग हो, लेकिन मार्केट में उसका रेट ज्यादा होता है। मसलन अगर 135 है सरकारी रेट, वो सरकारी वैल्यू उसकी कीमत, तो मार्केट में हो सकता है 140, ठीक। अब जैसे मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि दो मुल्कों की करेंसियाँ जो है वो मुख्तलिफ जिन शुमार होती है, कमी बेशी आप कर सकते हैं, सरकारी रेट पर भी डॉलर को बेच सकते हैं और उसके अलावा जो बाजारी रेट है, चूंकि जब वो जिन्स ही बदल गई तो उस रेट पर भी आप बेच सकते हैं। यानी सरकारी रेट से ज़्यादा पर बेचना ये सूद हो जाएगा, जायज़ नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि जब एक दफ़ा जिन्स ही बदल गई तो जिन्स बदलने की सूरत में इसमें कमी बेशी हो सकती है, कमी बेशी तो हो सकती है। आया इसमें उधार भी हो सकता है, उधार भी चल सकता है। उधार का क्या मतलब कि मसलन अमरीकी डॉलर है, उसका जो है वो 135 रुपए जैसे मैंने आपसे अर्ज कर दिया कीमत है पाकिस्तानी, तो किसी से ये कहना कि आज जो है मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, आपने 135 रुपए का है फिलहाल, आपने एक माह बाद दो माह बाद मुझे 140 का देना है, 140 के हिसाब से
واپسی کرنی ہے 145 کے حساب سے، آیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ اصولی طور پر تو بات یہ ہے کہ جب ایک دفعہ جنس بدل گئی، کمی بیشی جائز ہو گئی، تو ادھار بھی جائز ہونا چاہیے. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر ہم جو ہے ادھار کی اجازت نہیں دیں گے. اگر ادھار کی اجازت ہم نے دے دی تو پھر اس صورت میں سود کا دروازہ کھل جائے گا. لہذا اگر وہ ادھار بیچتا ہے تو پھر وہ سرکاری ریٹ پر، جو سرکاری ریٹ ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کر دیا 135 روپے جو بھی ہے، بازاری ریٹ پر. ورنہ تو اس کا یہ مطلب ہوا نا کہ آپ 135 روپے پاکستانی کو جو ہے وہ بیچ رہے ہیں 140 روپے کے وجہ. لہذا اگر ادھار معاملہ کرنا ہے تو پھر وہ جو ایکسچینج ریٹ ہے وہی، اسی کو بنیاد بنانا چاہیے، نہ کہ اس سے کمی بیشی کر کے. تو یہ مختصراً میں نے آپ سے کرنسی کے حوالے سے گفتگو کر